इसी के साथ कैसे खेल रही है ये देखिए कैसे गपर चपर कैसे खा रहे हैं गोश्त को एक थोड़े हर्ड हड्डी चाव रही है अरे उनमें तो गोश्त है ही नहीं सोलर पैनल है यहाँ लाइट यहाँ से लाइट उत्पादन करेंगे पता नहीं हेलो दोस्तों नमस्कार आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे दोस्तों और मैं भी अच्छी हूँ तो आपको बता दूँ कि मेरे गुड़िया रानी को आज तबीयत खराब है 2-4 दिन से आज उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब है ना जुकाम धर लिया है अभी छोटी सी है ये देख सकते हैं कैसे सोई हुई है ये देखें अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी दोस्तों तो मैं नहीं नहा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ठंडा मतलब कि बहुत ठंडी चल रही है ना मतलब हवा चल रहा है तो मैं नहीं नहाऊंगी और मेरे पति हैं कि वो नहा रहे हैं क्योंकि जाना है हॉस्पिटल ना तो हॉस्पिटल जाएंगे तो जल्दी जल्दी अपना काम मतलब कि मैं खाना बना रही हूँ और मेरे पति नहा रहे हैं देख सकते हैं और मेरे बाबू है कि खेल रहा है और मैं सब्जी बना रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है ना हॉस्पिटल में तो खाना बना लूंगी सर से तो खिला लूंगी फिर जाएंगे तब तक वो नहा रहे हैं कैसे मम्मी छोटा सा तो ये अब आज घर में रहेगा है ना बाबू तू घर में रहेगा ना आ? आज हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे दीदी को लेके हाँ और आज मेरे बाबू घर में रहेगा तू क्या खाएगा बाबू बता दे क्या खाएगा बता बता क्या खाएगा मैं तेरे लिए वही जतला दूंगी ना खाऊंगी तो बता क्या खाएगा क्या खाएगा बता दे क्या खाएगा क्या मिठाई खाएगा ये ना बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहा है बता क्या मिठाई खाएगा ये ना सबको मारता रहता है सबको मारता रहता है बहुत ज्यादा बदमाश है ये लड़का भी ना आज हम चले जाएंगे हॉस्पिटल अकेले घर में रहेगा ना बाबू अकेले घर में रहना ना दादी के पास और परेशान मत करना ना हाँ मिर्चा बेटा मिर्चा मिर्चा तो दोस्तों ये देखिए मेरे बाबू को सो के भी उठा है आज बहुत लेट से सो के उठा है और मैं तब तक मेरा खाना भी मेरा बन गया है सुबह उठ के जल्दी जल्दी बनाई हूँ यहाँ चावल बन गया है और यहाँ भाजी बनाई हूँ लाल भाजी का सब्जी है और कल बाजार से मूली लाए थे ना तो मतलब मुराई पान तो उसका भुंजिया टाइप बना दे रही हूँ क्योंकि जल्दी जाएंगे ना थोड़ा जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा हम लोग को 9-10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हॉस्पिटल में आज मेरे बाबू आज अकेले घर में रहेगा बहुत बदमाश करता है आज हम भाग जाएंगे जल्दी से आज हम चल जाएंगे जल्दी से दादी के पास रहना ना दादी के पास रहना और बस और खाना खा लेना ना ये लड़का खाना भी नहीं खाता है हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ गुड़िया रानी को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल तो ये देखिए मेरे गुड़िया रानी को इसको भी तैयार कर दी हूँ तो ये देखिए बहुत बाहर में बहुत हवा चल रहा है तो मैं कान में बांध ली हूँ और स्टोर भी धरी हूँ
ये देखिए मेरे पति भी तैयार हो गए हैं, हलो तैयार हो चुके हैं। तो मैं अब गुड़िया रानी को जा रही हूँ गोदी में लूंगी और फिर हलो जा रहे हैं। ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं हेलो यहाँ पहुंच गए हैं दोस्तों। साइकिल से आए हैं, क्या करें, गाड़ी नहीं है ना। तो ये देखिए हाँ यहाँ बहुत मस्त एकदम हवा चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ का झाड़ी पेड़ पौधा कैसा कितना मस्त दिख रहा है, हरा हरा। देखिए क्या करें, हम लोग पैदल जाना पड़ रहा है ना, गाड़ी नहीं है। ये देखिए मेरे पति साइकिल खड़े हैं। क्या करें, साइकिल में सैर करते हैं अच्छा लगता है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अभी दूर पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा दूर में है। ये देखिए रेलवे है, यहाँ से वहाँ पूरा वहाँ से है रेलवे, यहाँ पूरा कोयले कोयला खदान टाइप का है। उधर ऐसे रोड गया है और हम लोग इधर से जा रहे हैं ना, डंडी रास्ते है। और क्या देखिए है कितना मस्त पेड़, बेल का पत्ता। और अभी धूप कर दिया तो हम लोग थोड़ा सा छांव पे हैं। साइकिल पे जाने में बहुत दिक्कत होता है, देखने छोटा वाला बेटा को घर पे छोड़े हैं और हमारी बेटी हमारे साथ जा रही है, इसका इलाज करवाना है, देख रहे हैं। सो ये बिंदास एकदम कोयला डंप होता है ना। ठीक है चलिए आगे और दिखाते हैं। बहुत दूर तक रेलवे वाला चीज़ है इसे, रेलवे लाइन यहाँ से लेकर के और वो आगे दिखे जहाँ तक दिख रहा है कैमरे से वहाँ तक है, बहुत लंबा है, भटगांव का है, भटगांव कोलरी सरगुजा में। और हम लोग का ससुराल, मेरा ससुराल भी इधर ही है आगे में, उससे आगे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से लौटते समय थोड़ा सा इसके मायके जाएंगे, जाना है कि घर जाना है, देख रहे हैं। ठीक है चलिए फिर आगे मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सोलर पैनल है यहाँ, लाइट यहाँ से लाइट उत्पादन करेंगे, पता नहीं ऐसे सूर्य ऊर्जा लगा रहे हैं पूरा, बहुत दूर तक लगा है। ये देखिए वो वहाँ तक लगा है, दिख नहीं रहा उधर, बहुत ज़्यादा है, यहीं से लाइट देगा सब लग रहा है, इधर आसपास में यहीं से लाइट देगा। बहुत दिन हो गए बनते, भटगांव का है पूरा, ऐसे नर्सरी था लेकिन सबको काट के और उसको बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हेलो, जा रहे हैं साइकिल में और पहुंचे गए हैं, थोड़ा सा बस बचा है हॉस्पिटल। ये देख सकते हैं इधर का दुकान, गाड़ी चल रहा है। ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल आ गया, ये देखिए
फिलहाल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। देखिए फिर बच्चे को दिखा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों मैं गुड़िया रानी को दिखा ली हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। क्या है कि ना 10 बजे से जोते जोते 12 बज गया हम लोग को हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा भीड़ था ना, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं जा रही हूँ अपने मैं के अपने घर, मम्मी लोग का फ़ोन आया था कि आए हुए इधर, तो थोड़ा सा हम लोग घर में भी आ जा। तो गुड़िया रानी को लेके जा रही हूँ, लेकिन सीखे चला रहे हैं अब। मेरे बहन लोग भी ज़्यादा मेरे इंतज़ार कर रही थी ना कि दीदी आई है तो आएगी हर घर में, तो मैं बोली फोन में कि हाँ ठीक है आप रख दी फोन। अब आज का मौसम भी एकदम पता नहीं कर दिया है पानी के जैसा, पता नहीं कब गिरेगा पानी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ इधर का नज़ारा। ये देखिए इधर का नज़ारा, इधर का नज़ारा देखने लायक है, बहुत अच्छा मस्त है जगह यहाँ पर का। ये देखिए ये हाँ इधर नर्सरी वाली है, उधर पूरा बांसे बांस का चीज है ये, और वहाँ उसके वो आगे थाना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लोग का रोड है जहाँ मैं मेरा यही रोड से हम लोग जाते हैं, क्योंकि रोड एकदम मस्त है, ज़्यादा सुना टाइप का है, ज़्यादा गाड़ी नहीं चलता है ना, तो शॉर्टकट रोड है बढ़िया। देखिए मेरा घर भी पहुंच गया है। आ गया मेरा घर। ये देखिए अब यही रोड से हम लोग गुजरेंगे यहाँ। देख रहे हैं दोस्तों मेरा घर कैसे कैसे जगह है, झाड़ झपोड़ देखकर यहाँ साफ भी नहीं हुआ है ना। ये देखिए ये मेरा घर है। सामने तो फ्रेंड बने लगा ले तो ये देखिए मैं घर में आ गई हूँ।
देखिए मेरे पति के अनार छोटे हैं लल्लू, एक बच्चा तो देखिए अनार भी उतना ज्यादा लाल नहीं दिख रहा है। कैसा चाहिए लाल? हाँ कैसा लाल रहती थोड़ा लाल रहती। और मेरे पापा को देखिए कहाँ बैठ के खा रहे हैं। और देखिए गोश्त होगा मुझे नहीं, चिकन चिकन मीट पका रखा के चिकन मुर्गा रखा। हाँ वही चिकन खा रहे हैं पापा। चावल रानी के साथ है उसके नानी कैसे पाई है अब तो देखे तो मार दूँ। अरे हीरोइन लोगों को देखो, इन्हीं लोगों को देखने के लिए आई हूँ। मम्मी ने दिखा दिया आपको पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ ठीक है। तो ये देखिए मेरे मम्मी को और गुड़िया रानी को कैसे है और मेरे पापा को देखे। पापा टैबलेट आम टपका है मिठाई का नाम। ये आम टपका खट्टा रखते है की झजमोला जैसे खा सकत हो? मैं नहीं खा। हाँ वो आड़े खाते तो ये देखिए मत काटती है कुछ नहीं देखा। हाँ किरण दे दही तो के रह दे। ये देखिए आम टपका मिठाई खट्टा मीठा जैसे चार सितारा होते हैं ना इसलिए मैंने खाया। ये कितना का लगे दिव्या? पाँच को एक लाइन और रही से आम टपका में जुड़ा रही से एक लाइन। तो ये देखिए आम टपका मैं कभी नहीं खाई हूँ। ये चीज खट्टा मीठा लगता है। खट्टा मीठा की क्या लगता है अब इसको मैं कभी खाई नहीं हूँ। और इन लोग को देखिए मैं तोला नहीं छोड़ूंगा। हीरोइन को इसके पति देव है वहाँ गाँव में टपका जी मैं क्या। और ये महारानी यहाँ है अपने पति देव को छोड़ के यहाँ बैठी है। मुझे माझे न छोड़ गए अब गुड़िया रंग देखो अपने मौसी के साथ कैसे खेल रही है। छोटी मोटी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा लेट लगी सफाई के दवाई रे इतना कागज इतना कागज ना तो दे ही सब दवाई ले ना वाइन कैसे कैसा लगी क्रिया देखावा मस्त लगीस ना मेरी दीदी है वो हमको बहुत लड़ती है नाम है मार भूत भी मेरे मम्मी मेरे लिए संदेश उसके लिए है अनार अनार और क्या बोलते हैं ब्रेड आम ले लो आम ले लो ये खत्म हो गया हम पी के खत्म कर दिए। ये मेरे पति देव है कि ये अनार छोड़ दिए मेरे लिए खाने के लिए पता नहीं अनार ठीक से लाल सब ले लो खा ले हो जा दे दिया मैं। ये देखिए कैसे गपर चपर कैसे खा रहे हैं गोश्त को एक तो ये हड्डी चाप रही है और एक तो है प्रधान मतलब मंत्री एक तो बैठे हैं घर में बता इनको अरे उनमें तो गोश है ही नहीं। मुर्गा ला रहा हूँ अरे जिंदा मुर्गा तुम लोग सावन में कथा की पूजा पाठ करो भ्रष्ट हो गई भ्रष्ट क्या साधन नहीं 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 न
चिकन कैसे खा रहे हैं? अरे वो चिकन का हड्डी है का? वो हड्डी पकड़ रखे खाने पा रही ना? क्या काम करता है? आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है, इसलिए बना रही है। देखो हाँ, अरे देखो मेरे गुड़े रंग कैसे सो रही है। अरे तो देख रहे हैं, अभी तक मेरे पति हैं कि अभी तक खाना नहीं खा पाए हैं, और क्योंकि जल्दी घर जाना है, कहे कि मेरे बाबू है ना, अभी रो रहा है घर में, तो उसको छोड़ के आई हूँ घर में। आई बाहर में जैसे वेल्डिंग फेल्डिंग दम फल हेल तेल काम करके अपना कमा के जब से खिलाती नहीं है तो खाता नहीं है किसी के हाथ से, और बहुत मतलब कि वहाँ घर में अपना दादी लोगों के साथ अभी पानी गिर रहा था ना, और अभी तरह से धूप कर दिया है, तो ये जल्दी से फटाफट खाना खाएंगे और मैं घर की जल्दी निकलूंगी, क्योंकि मेरे बाबू है ना तो रह नहीं रहा है, वो भी रोने के लिए मतलब वो भी रो रहा है। देख सकते हैं मैं घर में आ गई हूँ और पूरा सामान पूरा बिखरा हुआ है, तो बाबू का पहले जा लेते हैं, पहले खाना खा लेते क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।